तो डेरिवेबिलिटी इस चैप्टर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर का कंसेप्ट भी समझ लिया और डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ लिया। तो डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब हो गया टेंजेंट एग्जिस्ट करती है। तो आइए इस चीज़ को एक बार लिख लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। डेरिवेबल, डेरिवेबल ज्योमेट्रिकली मीन्स अ यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट, यानी यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करती है। एंड डेरिवेटिव इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स जाना। अगर हम बोलते हैं डेरिवेबल है तो इसका ज्योमेट्रिकल मतलब है कि यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी, और डेरिवेटिव क्या होता है? उसी टेंजेंट का स्लोप होता है। अगर डेरिवेबल होगा, अगर टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी, तभी तो अपन को डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा। अब आइए इसी डेरिवेबिलिटी का एल्जेब्रिक मीनिंग अपन देखें। सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, यहीं से हम लोग क्वेश्चन करना सीखेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेबिलिटी। आइए अब हम बात करने जा रहे हैं डेरिवेबिलिटी के एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन की ओर। अब सुनिए ध्यान से, कंसिडर कीजिए कर्व। वही जो मैंने ज्योमेट्री में समझाया था वही कर्व यहाँ पर समझाऊंगा। कंसिडर कीजिए कर्व। कर्व हमारा गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स। कर्व के ऊपर एक पॉइंट है a, ठीक है। a पॉइंट का x कोऑर्डिनेट को स्मॉल a कह सकते हैं, ये x कह सकते हैं, स्मॉल a कह दीजिए। a के आगे एक पॉइंट है a प्लस h, और a के पीछे एक पॉइंट है x इक्वल टू ए माइनस एच। यहाँ पर अगर फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ पर f ऑफ a है, जबकि यहाँ पर अगर फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहें f ऑफ a माइनस एच है, और यहाँ पर अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहें तो f ऑफ a प्लस एच है। इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए b कह देते हैं, और इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए मोटा मोटा कर दें c कह देते हैं। अब सब बच्चे ध्यान देखेंगे। अब मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ राइट हैंड सीकेंट। राइट हैंड सीकेंट की स्लोप लिखनी है तो स्लोप कुछ नहीं होती बच्चों, राइट हैंड साइड पे बात करेंगे तो यानी उसके आगे। तो सीकेंट एक लाइन है तो स्लोप ऑफ राइट हैंड सीकेंट हो जाएगी y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी y2 टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस वाई वन एफ ऑफ ए अपॉन एच, ये आ गए। अब राइट हैंड साइड सीकेंट का जो लिमिटिंग केस होगा, लिमिटिंग केस का मतलब इधर देखेंगे ध्यान से सब बच्चे, लिमिटिंग केस ऑफ राइट हैंड सीकेंट विल बी राइट हैंड टेंजेंट। तो लिमिटिंग केस ऑफ राइट हैंड सीकेंट स्लोप, बल्कि यहां पर एक शब्द जोड़ना चाहिए, स्लोप ऑफ लिमिटिंग केस ऑफ राइट हैंड सीकेंट विल बी स्लोप ऑफ राइट हैंड टेंजेंट। इसी चीज को राइट हैंड डेरिवेटिव कहा जाता है। देखो डेरिवेटिव शब्द का मतलब ही है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब राइट साइड से आने वाली स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी लिमिट एच अप्रोचेस जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए होल अपॉन एच। तो राइट हैंड साइड का जो लिमिटिंग केस होगा वो राइट हैंड साइड के टेंजेंट की स्लोप देगा, और उसी को हम आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। क्या ये समझ में आया? बोल दीजिए हाँ। यहीं पर हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लेफ्ट हैंड सीकेंट। आइए लेफ्ट हैंड सीकेंट की बात करें तो y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे
स्लोप ऑफ लिमिटिंग केस ऑफ लेफ्ट हैंड सीकेंट इज सेम एज स्लोप ऑफ लेफ्ट हैंड टेंजेंट, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। यानी ये चीज हो गई लिमिट h अप्रोचेस जीरो f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन h। यहाँ पर देखें डायग्राम में, ये लेफ्ट साइड में सीकेंट हो गई ए बी को जोड़ने वाली, और ये लेफ्ट साइड में टेंजेंट हो गई। अब ए पॉइंट तो कॉमन ही है, तो कब डेरिवेबल होगा, आइए देखें कब डेरिवेबल होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेरिवेबल, हाँ हाँ बिल्कुल मेरे बच्चे, डेरिवेबल कब होगा, जब एल एच डी इक्वल टू आर एच डी, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट स्लोप बराबर होनी चाहिए, यूनिक टेंजेंट मिलनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी लिमिट एच अप्रोचेस जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। यही है कंडीशन ऑफ डेरिवेबिलिटी। यानी कोई भी फंक्शन डेरिवेबल होगा अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर एल एच डी आर एच डी बराबर होगा तो डेरिवेबल होगा, और अगर एल एच डी आर एच डी बराबर नहीं होगा तो डेरिवेबल नहीं होगा। तो एल्जेब्रिक जो चीज़ अपन ने ज्योमेट्री में देखी थी, कैसे लिमिटिंग केस बनाएंगे, दोनों टेंजेंट सेम आ जाएं, उसी चीज़ को अपन ने एल्जेब्रा में लिख लिया कि एल एच डी अगर आर एच डी के बराबर है तो हम बोलेंगे डेरिवेबल है, और अगर एल एच डी आर एच डी के बराबर नहीं है तो डेरिवेबल नहीं है। क्लियर हुआ सब बच्चों को, बोलो हाँ हाँ। अब ये जो मैंने पूरी थ्योरी थोड़ी सी बताई है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको मैं समराइज कर देता हूँ। बिल्कुल इन स्टार पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, ये हमको बहुत जगह मदद करेंगे। सबसे पहला स्टार पॉइंट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एच डी, एल एच डी का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अरे ध्यान रखना, एल एच डी कोई बोले तो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। दूसरा आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होता है बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन राइट हैंड साइड। एंड कोई भी फंक्शन एफ एक्स विल बी डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू ए। अब ग्राफ तो नहीं बनाएंगे, व्हेन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए। जैसे कंटिन्यूटी अपन कैसे चेक करते थे कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, अगर एल एच एल आर एच एल वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर हैं तो हम बोलते थे कि दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है। वैसे ही किसी भी पॉइंट पर फंक्शन डेरिवेबल कब होगा, जब उस पॉइंट का एल एच डी उस पॉइंट के आर एच डी के बराबर होगा। अब यहाँ पर एक गूढ़ रहस्य खुलने जा रहा है, उस गूढ़ रहस्य को समझे। सुनो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होता है उसको पॉइंट को पीछे से जोड़ना है, उससे स्मॉलर वैल्यू से जोड़ना है, जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होता है पॉइंट को लार्जर वैल्यू से जोड़ना है। यहाँ पर अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, सब बच्चे सुनेंगे ध्यान से। पहले मुझे बताओ ये जो तीन बातें लिखी समझ में आई, बोलो हाँ। तीसरी बात से हमें समझ गए कि अगर मैं बोलूं भैया इस फंक्शन की टू पर जो है आप डेरिवेबिलिटी चेक करो, तो आप क्या करोगे, टू पर उसका एल एच डी निकालोगे, टू पर उसका आर एच डी निकालोगे। अगर एल एच डी आर एच डी बराबर होगा तो कहोगे कि ये डेरिवेबल है, वरना बोलोगे कि ये डेरिवेबल नहीं है। बोल दो हाँ। हाँ, अब बहुत भयानक गूढ़ रहस्य आने जा रहा है। देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब होता है कि पॉइंट को उसके पीछे के पॉइंट से जोड़ो। बोर्ड पर देखेंगे,
जब आप ऐसे लिखते हैं एच अप्रोचेस जीरो, ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, तो यहां पर ध्यान रखना ये जीरो जीरो प्लस होता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर एच जीरो माइनस करोगे तुम तो एच खुद नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस एच पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस एच पॉजिटिव हो जाएगा तो ए माइनस एच ए के पीछे नहीं बल्कि ए के आगे के पॉइंट से जुड़ेगा। बोलो हाँ। ध्यान रखना ए माइनस एच विल बी लेस देन ए ओनली व्हेन एच इज पॉजिटिव। बोल दीजिए हाँ। ध्यान रखना। अच्छा ऐसे ही आरएचडी में भी, मेरे बच्चों आरएचडी में भी जीरो प्लस होता है, क्योंकि आरएचडी का मतलब है उसको उसके आगे के पॉइंट से जोड़ो, तो ए प्लस एच विल बी ग्रेटर देन ए ओनली व्हेन एच इज पॉजिटिव। ध्यान रखना एलएचडी आरएचडी में हमेशा वन साइडेड लिमिट होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा बाकी जगह नहीं होता था, इस बात को ध्यान रखेंगे। इन एलएचडी एंड आरएचडी वी हैव वन साइडेड लिमिट। बोल दो हाँ गुरुजी। देखो देखो एलएचडी का मतलब है, मेरे बच्चे आराम से पूछो, एलएचडी का मतलब है ये है एक्स इक्वल टू ए, तो ए को ए के पीछे से जोड़ना है। बोलो हाँ। तो ए को पीछे से जोड़ना है, तो अगर तुम पीछे वाला पॉइंट ए माइनस एच बोलते हो तो एच पॉजिटिव होगा, तभी तो ए माइनस एच पीछे होगा, क्योंकि अगर तुम एच को नेगेटिव ले लोगे तो ए माइनस एच पीछे होने के बजाय ए माइनस एच आगे हो जाएगा। बोलो हाँ। हाँ ये ध्यान देना, ये बहुत गुड पॉइंट है, इसलिए मैं इस पर रुका हुआ हूँ, कोई भी डाउट आए तो डिस्कस करो मेरे साथ। ध्यान रखना कि किसमें नहीं जीरो माइनस क्यों होगा, सुनो तुमने ए को किससे जोड़ा, ए प्लस एच से जोड़ा। बोलो हाँ। ए को ए प्लस एच से जोड़ा। बोलो हाँ। हाँ रुको रुको, अरे मैं, अरे बच्चे तू सेलेक्टेड है, मैं यही कहने वाला था, कभी कभी बच्चों को डराने के लिए, कभी कभी बच्चों को धमकाने के लिए, परेशान करने के लिए ऐसा भी बोल देते हैं, एच अप्रोचेस जीरो माइनस करके अगर मैं ये लिख दूं तो भी देखो वैलिड है। बोलो हाँ। yes, क्योंकि अब अगर एच को तुमने नेगेटिव कर दिया तो ए प्लस एच ए के पीछे नहीं, ए के आगे नहीं बल्कि ए के पीछे हो जाएगा। सिमिलरली एच अप्रोचेस जीरो माइनस करके आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। मुद्दा यह है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है ए मस्ट बी जॉइंड टू अ पॉइंट लेस देन ए, देन देन की स्पेलिंग देन ए, और राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है ए मस्ट बी जॉइंड टू पॉइंट लार्जर देन ए। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो हाँ। और देखो अभी भी ये चीज मेरी ट्रू है, चाहे कोई भी डेफिनेशन लगाओ, जीरो माइनस जीरो प्लस हमेशा वन साइडेड डेरिवेबिलिटी आती है। बोलो हाँ। कॉपी कर लीजिए। ये ध्यान रखना कि एलएचडी आरएचडी के साथ ये प्रपंच सब बच्चे बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एलएचडी आरएचडी में हमेशा वन साइडेड लिमिट लगती है और उनको लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एलएचडी का सिंपल सा मतलब लेफ्ट यानी पीछे, पॉइंट को पीछे के पॉइंट से जोड़ो, और आरएचडी का मतलब है राइट आगे यानी पॉइंट को आगे के पॉइंट से जोड़ो। ध्यान सुनना है आगे वाले स्टार पॉइंट को। अब नेक्स्ट स्टार पॉइंट, जब जैसे अपन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होती है लेकिन दोनों बराबर हो जाती हैं तो उनको लेफ्ट हैंड या राइट हैंड नहीं सिर्फ लिमिट कहते हैं। व्हेन एलएचडी इज इक्वल टू आरएचडी, तो यही क्वांटिटी देन दिस
इज कॉल्ड डेरिवेटिव. तो यही कहलाता है डेरिवेटिव, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट. एंड देन फंक्शन इज डेरिवेबल. और कुछ नोटेशन से ध्यान रखें, जैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को एफ डैश ए माइनस से भी डिनोट करते हैं, या इसको डी वाई बाई डी एक्स आइट ए माइनस ऐसे भी लिखते हैं. ये खड़ी डंडी पहराती है आइट. ऐसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव को एफ डैश ए प्लस से डिनोट करते हैं, पावर में प्लस साइन लगा देते हैं, या डी वाई बाई डी एक्स आइट ए प्लस. और जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव यानी जब एल एच डी आर एच डी बराबर हो जाएंगे तो उसको सिर्फ एफ डैश ए से भी डिनोट करते हैं, या केवल उसको डी वाई बाई डी एक्स आइट ए भी कह देते हैं. बिल्कुल इन सब बातों का ध्यान रखना है. क्या ये क्लियर सब बच्चों को? कॉपी करें स्टार पॉइंट. क्या जी बच्चे, ये खड़ी डंडी को पढ़ते हैं आइट. आइट यानी भाई डी वाई बाई डी एक्स डेरीवेटिव किस पॉइंट पर? ए माइनस पर. ये खड़ी डंडी का मतलब है डेरीवेटिव एट एट. समझ में आया? ये नोटेशंस पर ध्यान देना है, अपन क्वेश्चंस पर आने वाले हैं. एक आखिरी बात जो आपको समझनी है वो है पहले सी फिर डी. कोई खास बात नहीं, वैसे भी ए बी सी डी पढ़ते हैं तो पहले सी आता है फिर डी आता है. यानी जिस पॉइंट पे डेरिवेबिलिटी चेक करनी हो आप सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे. चेक कंटिन्यूटी फर्स्ट एंड इफ कंटिन्यूअस एंड इफ कंटिन्यूअस देन चेक डेरिवेबिलिटी. ध्यान रखना ये नहीं कि डेरिवेबिलिटी चेक करने को आई. अब आईटी वाले लोग बहुत बदमाश हैं, वो बोलते ही नहीं है कंटिन्यूटी, वो बोलते हैं चेक डेरिवेबिलिटी. लेकिन हम पहले क्या चेक करेंगे? कंटिन्यूटी. और यदि कंटिन्यूअस होगा तब डेरिवेबिलिटी. जरा बोर्ड पर देखें, सबसे पहले चेक कंटिन्यूटी. या तो कंटिन्यूअस आएगा या डिसकंटिन्यूअस आएगा. अगर डिसकंटिन्यूअस आ गया देन से नॉन डेरिवेबल. सीधे बोलना है नॉन डेरिवेबल. अगर कंटिन्यूअस आ गया तब चेक डेरिवेबिलिटी. बिना कंटिन्यूटी चेक किए कोई बच्चा डेरिवेबिलिटी चेक करते पाया गया भगा दिया जाएगा. पहले सी फिर डी, ध्यान देना इस बात पे. अच्छा, चेक डेरिवेबिलिटी. अब उसके बाद डेरिवेबल आ भी सकता है या नॉन डेरिवेबल भी आ सकता है. आइए इन तीनों का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताऊं. तीन स्थितियां. इस केस में कंटिन्यूअस भी है डेरिवेबल भी है, दैट इज इसका मतलब है स्मूथ कर्व, बिल्कुल स्मूथ है कर्व. इस केस में कंटिन्यूअस बट नॉट डेरिवेबल, इसका मतलब है शार्प कॉर्नर है ज्योमेट्रिकल. और इस केस में नाइदर कंटिन्यूअस नॉर डेरिवेबल, दैट इज ब्रेक इन कर्व. कर्व में कहीं ना कहीं टूट फूट है. बिना सी के डी नहीं भैया, पहले कंटिन्यूटी फिर डेरिवेबिलिटी. कॉपी करिए भाई. शार्प कॉर्नर का मतलब तो है भाई, स्मूथ कर्व का मतलब बस ऐसा बेहतरीन कर्व है, और शार्प कॉर्नर का मतलब ऐसे चोंच है चुभ जाएगी. जबकि ब्रेक इन कर्व का तो मतलब है कर्व ही टूट फूट गया है. एक छोटी सी बात यहाँ पर ऑटोमेटिकली समझ जानी चाहिए. देखो, अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि ये कर्व डेरिवेबल है, इसका मतलब कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा. क्यों?
क्योंकि डेरिवेबिलिटी तक वो पहुंचा कैसे होगा, कंटिन्यूटी चेक करके। ध्यान रखना, इफ एनी फंक्शन इज डेरिवेबल देन इट इज कंटिन्यूअस। अगर आप बोलते हैं कि ये डेरिवेबल है तो इसका मतलब है कि आप कंटिन्यूटी चेक कर चुके हैं। ये अंडरस्टूड है, डेरिवेबिलिटी कंटिन्यूटी के बाद का स्टेप है। तो अगर आपने बोल दिया, जैसे कोई बच्चा बोले मैं टेंथ पास हूँ, तो उसका मतलब उसने कभी ना कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नाइन्थ सब क्लास पास की है, तभी तो टेंथ में पहुंचा, बिकॉज इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। तो अगर कोई बोलता है कि ये फंक्शन डेरिवेबल है, किसी सवाल में गिवन है कि एफ एक्स इज डेरिवेबल, इसका ऑटोमेटिकली इम्प्लीकेशन हो गया कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। क्या ये बात समझ में आई? आओ अब हम इस काबिल हो गए हैं, डेरिवेबिलिटी एट अ पॉइंट हमने समझ लिया है, अब हम लगाएंगे सवाल। कॉपी करिए जरा इसको। चलो अब हम लोग सवाल लगाएंगे और मैं सवाल के अंदर आपको एक गजब क्या जैसे ट्रिक बताऊंगा कि एलएचडी आरएचडी वाली लिमिट निकालनी नहीं पड़ेगी। सब बच्चे इस पहले सवाल पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। छोटा सा सवाल आ रहा है आपका आंखों के सामने, ये चलिए सवाल कहता है अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड लाइक दिस, डिस्कस। शराफत भरा सवाल है, कह रहा है भैया कंटिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी जीरो और पाई बाई टू पर डिस्कस करो। जीरो और पाई बाई टू पर कंटिन्यूटी डेरिवेबिलिटी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी की बात करने के लिए हम देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन। कंटिन्यूटी लेफ्ट हैंड लिमिट तो वन आ जाएगी, कांस्टेंट है, चाहो तो चलो आपके लिए लिख भी देता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है एक्स अप्रोचेस जीरो माइनस वन वन, राइट हैंड लिमिट का मतलब है जीरो से चिनन मिनन बड़ा। तो यहाँ पर फंक्शन क्या लेंगे, वन प्लस साइन एक्स, इसकी वैल्यू भी वन, वैल्यू ऑफ फंक्शन खुद शुद्ध एफ ऑफ जीरो जो कि वन, तो कंटिन्यूस है, बोल दो हाँ। अब हम बात करते हैं x इक्वल टू पाई बाई टू पर। पाई बाई टू पर पहले चर्चा होगी कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्योंकि अगर कंटिन्यूस ही नहीं होगा तो डेरिवेबिलिटी का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। पाई बाई टू से चिनन मिनन छोटा, तो x अप्रोचेस पाई बाई टू माइनस, यहाँ पर आएगा वन प्लस साइन एक्स, वैल्यू टू आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो एक्स अप्रोचेस पाई बाई टू से जरा सा बड़ा, तो यहाँ पर हम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे एक्स माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर, वैल्यू टू, वैल्यू ऑफ फंक्शन शुद्ध एफ ऑफ पाई बाई टू, वो भी टू निकल के आ गया। क्या ये समझ में आया, बोल दीजिए हाँ, बोल दो बच्चों, बोल दो, आज चुप ना रहो। तो ये जीरो पर भी कंटिन्यूस है, पाई बाई टू पर भी कंटिन्यूस है। अब हम जीरो पर और पाई बाई टू पर डेरिवेबिलिटी की बात करेंगे। अब हम डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे। अब मैं आपको एक गुरु मंत्र जादुई तरीका बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप खट से एलएचडी आरएचडी निकाल लेंगे। एलएचडी आरएचडी फंडामेंटली भी निकाला जा सकता है और जादू से भी निकाला जा सकता है। तो एक में मैं जादू से बताऊँगा, एक में फंडामेंटली बताऊँगा, फिर दूसरे में भी, दोनों में जादू बता दूँगा आपको। जैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहाँ निकालना है, जीरो पर। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच। याद करो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की परिभाषा क्या थी, ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, बोल दो हाँ। अरे यही तो थी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की परिभाषा। तो जीरो पर तो आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया, क्या ये क्लियर हुआ, बोलो हाँ। अरे बोल दो बच्चों, बोल दो। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ पर एलएचडी। तो ये चीज निकल के आ गई लिमिट एच अप्रोचेस
जीरो प्लस एफ ऑफ माइनस एच, एफ जीरो, एफ जीरो की वैल्यू कितनी है वन, अभी लिख लेंगे धीरे से, अपॉन माइनस एच। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि एफ ऑफ माइनस एच यानी जीरो से चिनन मिनन छोटा, तो वन, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू भी कितनी है वन, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जीरो आ गया। बोल दीजिए हाँ, क्या एल एच डी जीरो समझ में आया सब बच्चों को, बोल दीजिए हाँ। यहीं पर अब हम आर एच डी निकालने जा रहे हैं, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच, जो कि बन जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस जीरो प्लस एफ ऑफ एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच। यहाँ पर एच जीरो से चिनन मिनन बड़ा है, क्योंकि वो जीरो से चिनन मिनन बड़ा है, तो जीरो से चिनन मिनन बड़े की परिभाषा वन प्लस साइन एच। जरा सभी कहीं कोई डाउट आए पूछना है, अपॉन एच। तो ये चीज आ गई, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो प्लस साइन एच अपॉन एच विच इज वन। एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, सो नॉन डेरिवेबल। क्या ये समझ में आया, बोल दीजिए हाँ। आइए पाई बाई टू पर देखें। अब सुनो, अब इतना सारा एल एच डी आर एच डी आप एक लाइन में कर सकते हो, मेरी बात को सुनो, मेरी बात को सुनो। इधर देखेंगे सब बच्चे, यहाँ देखिए, जैसे ये ए है, ए पर अगर आपको अगर कंटिन्यूस आ चुका है, ये ट्रिक है, ट्रिक ओनली व्हेन कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। एल एच डी आर एच डी निकालने की ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं, खट से आंसर। लेकिन ये ट्रिक केवल तभी काम करेगी जब x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस हो, जब x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस। अब सुनो ध्यान से, a पर अगर एल एच डी चाहिए तो उससे चिनन मिनन छोटी डेफिनेशन को डिफ्रेंशिएट करके a रख दो, और आर एच डी चाहिए तो उससे चिनन मिनन बड़ी डेफिनेशन को डिफ्रेंशिएट करके a रख दो। अब आपको एल एच डी चाहिए तो उससे चिनन मिनन छोटी डेफिनेशन को डिफ्रेंशिएट करके उसमें a रख दो, तो देखो जीरो आ गया। बोलो हाँ, आर एच डी चाहिए तो जीरो पर, तो जीरो से चिनन मिनन बड़ी डेफिनेशन को डिफ्रेंशिएट करके उसमें a रख दो, तो cos x में a रख दो, वन आ गया। देखो एक लाइन में एल एच डी आर एच डी आ गया। लेकिन ये एल एच डी आर एच डी निकालने की ट्रिक केवल तभी काम करेगी जब फंक्शन a पर कंटिन्यूस हो। क्या समझ में आया, a से चिनन मिनन छोटी डेफिनेशन को डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट एंड पुट a, गेट एल एच डी। a से चिनन मिनन बड़ी डेफिनेशन को डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट एंड पुट a, गेट आर एच डी। a की डेफिनेशन को डिफरेंशिएट नहीं करना, ए से चिनन मिनन छोट, ए से चिनन मिनन बड़ा। क्या समझ में आया, बोल दीजिए हाँ। अरे आया कि नहीं आया बच्चा? अब जैसे हमको पाई बाई टू पर एल एच डी चाहिए, अब हमको एल एच डी चाहिए तो पाई बाई टू से चिनन मिनन छोटी डेफिनेशन वन प्लस साइन एक्स, तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वन प्लस साइन एक्स आइट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। बोलो हाँ, बोल दो, बोल दो, आज बोल दो, एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, तो एल एच डी कितना आ गया, जीरो। बोलो हाँ, आर एच डी की बात करें तो पाई बाई टू से चिनन मिनन बड़ी, तो चिनन मिनन बड़ी क्या है, टू प्लस एक्स माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर। और इसके अंदर हम क्या रख देंगे, x को पाई बाई टू, तो ये बन जाएगा टू टाइम्स x माइनस पाई बाई टू एट पाई बाई टू विच इज जीरो। कितनी आसानी से हमने एल एच डी आर एच डी निकाल दिया। बोलो हाँ,
अरे बोलो हाँ। यस सर। और यहाँ पर एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, सो डेरिवेबल। ध्यान रखना इस सवाल के अंदर मैंने क्या क्या समझाया है, पहले सी फिर डी, पहले कंटिन्यूटी फिर डेरिवेबिलिटी। और अगर कंटिन्यूअस आ गया तो एल एच डी आर एच डी निकालने के लिए मेहनत नहीं करनी, चिन्हन मिनन छोटी डेफिनेशन को डिफरेंशिएट करके ए रखेंगे एल एच डी मिलेगा, चिन्हन मिनन बड़ी डेफिनेशन को डिफरेंशिएट करके ए रखेंगे आर एच डी मिलेगा। क्लियर हुआ बोल दीजिए हाँ। अरे सब अभी सिखा देंगे, कॉपी करिए। अब हमको डेरिवेबिलिटी चेक करना एट अ पॉइंट आ गया, अब हमको डेरिवेबिलिटी एट अ पॉइंट पता लग गया। आइए एक और क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन करने से ही बात बनती है। चलिए एक और छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए। बहुत सही, ये देखिए ये आ गया छोटा सवाल, आइए मिलजुल के इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद का सवाल मैं आपको ट्राई करने का मौका दूंगा। एफ एक्स दे रखा है भाई, फंक्शन एक्स इक्वल टू वन पर डेरिवेबल है, तो पहला काम तो मैं करूंगा ये मॉड मॉड देख के बड़ा दिमाग सही काम नहीं कर रहा, पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो अगर मैं फंक्शन को डिफाइन करना चाहूँ तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी कब, जब मॉड एक्स वन से छोटा है यानी माइनस वन से वन, उसके अलावा मॉड एक्स अगर वन से बड़ा है। अब मॉड एक्स अगर वन से बड़ा है तो या तो एक्स खुद वन से बड़ा होगा या एक्स खुद माइनस वन से छोटा होगा। अगर एक्स वन से बड़ा है तो एक्स पॉजिटिव है तो माइनस वन बाई एक्स आ जाएगा, और एक्स अगर माइनस वन से छोटा है तो एक्स नेगेटिव है, तो मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो ये वन बाई एक्स हो जाएगा। क्या ये मैंने जो रीडिफाइन किया क्या ये सब बच्चों को समझ में आया, बोल दीजिए हाँ। अब वो बोलता है डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू वन पर, तो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन होना चाहिए, तो वन पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकल के आएगी, वन पर लिमिट एक्स अप्रोचेस वन से चिन्हन मिनन छोटा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी ए माइनस बी। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस वन से चिन्हन मिनन बड़ा माइनस वन बाई एक्स माइनस वन। वैल्यू ऑफ फंक्शन शुड एफ ऑफ वन विच इज माइनस वन, सो हम बोलेंगे फॉर कंटिन्यूटी ए माइनस बी शुड बी माइनस वन, बोल दीजिए हाँ। देखो क्वेश्चन कहता है ए और बी वैल्यू निकालो, तो ए और बी दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए, दो। दो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए, दो। बोलो हाँ यस। दो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक इक्वेशन तो कंटिन्यूटी से आई और एक इक्वेशन कहाँ से आएगी, डेरिवेबिलिटी से। बोलो हाँ। अरे बोल दो। यस सर। हाँ आइए बात करते हैं यहाँ पर डेरिवेबिलिटी। अब हम बोलेंगे डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू वन, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, वन से चिन्हन मिनन छोटी डेफिनेशन को डिफरेंशिएट कर दें, तो डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एट एक्स इक्वल टू वन। बोलो हाँ। तो टू ए एक्स एट एक्स इक्वल टू वन विच इज टू ए। राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, वन से चिन्हन मिनन बड़ी डेफिनेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए एट एक्स इक्वल टू वन। बोलो हाँ। माइनस वन बाई एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स स्क्वायर विच इज वन, सो टू ए शुड बी वन। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, मैं केवल बोलूंगा गेट ए एंड बी। अरे कर पाओगे कि नहीं, बोलो हाँ। कॉपी करिए। चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, आइए एक जबरदस्त सवाल और लेंगे, ध्यान देंगे सब बच्चे। आइए एक और सवाल, अब की बार पहला मौका मैं आप लोगों को दूंगा, दो मिनट लगाएंगे। चलिए
सवाल आ रहा है आपके सामने। यस बिल्कुल आ गया, अब आपको नहीं पता लग रहा कहाँ से आ रहे हैं सवाल। चलिए हाँ, क्या आप लोग इसको अटेम्प्ट करना चाहेंगे, बोल दीजिए हाँ करिए अटेम्प्ट करिए। इस क्वेश्चन के अंदर एक बहुत खास बात सीखने को भी मिलने वाली है। इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि सवाल के अंदर नहीं, मेरी आवाज़ तो सही आ रही होगी, ऑडियो बिल्कुल क्लियर होगा। अच्छा अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम दिए गए फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे। फंक्शन में दो डेफिनेशन गिवन है, ध्यान से देखें। पहली डेफिनेशन ये है अगर x ज़ीरो नहीं है, और दूसरी डेफिनेशन ज़ीरो पर है। तो पहले फंक्शन को थोड़ा इज्जत से तरीके से लिख लेंगे। अब x ज़ीरो पर तो फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो है। अब x नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मतलब हो गया या तो x लेस देन ज़ीरो या x ग्रेटर देन ज़ीरो। x अगर लेस देन ज़ीरो है तो मॉड x माइनस x बन के खुलेगा, तो माइनस वन बाई एक्स प्लस वन कट के ज़ीरो हो जाएंगे, तो यहाँ पर डेफिनेशन x आ जाएगी। और x अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो मॉड x x बन के खुलेगा, तो e की पावर माइनस टू बाई एक्स। पहले मुझे बताइए क्या ये डेफिनेशन सब बच्चों को समझ में आई, बोल दीजिए हाँ। अरे बोल दीजिए हाँ। अब जीरो पर कंटिन्यूटी डेरिवेबिलिटी की बात करनी है। सबसे पहले कंटिन्यूटी की बात करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जीरो से चिनन मिनन छोटा, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट मतलब जीरो से चिनन मिनन बड़ा, ये भी जीरो आ रहा है। वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब शुद्ध एफ ऑफ जीरो जीरो, तो कंटिन्यूअस हाई, बोल दीजिए हाँ। कंटिन्यूअस है तो हम डेरिवेबिलिटी निकालेंगे। डेरिवेबिलिटी के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए जीरो से चिनन मिनन छोटी डेफिनेशन का डिफरेंशिएशन और उसमें जीरो रख देंगे, बोलो हाँ, विच इज वन, बोल दो हाँ। राइट हैंड डेरिवेटिव, ये क्वेश्चन लेने की एक वजह है, अगर कभी भी x डिनोमिनेटर में आ जाए, देखो यहाँ e की पावर में x डिनोमिनेटर में आ रहा है, बोलो हाँ, और जीरो पर डेरिवेबिलिटी निकालनी हो तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालनी पड़ेगी, डिफरेंशिएशन की ट्रिक मत यूज करना। ये एक बहुत स्टार बात है कि डू नॉट यूज डिफरेंशिएशन ट्रिक, डू नॉट यूज डिफरेंशिएटिंग ट्रिक टू इवेलुएट डेरिवेटिव, गलत लिख दिया, टू डेरिवेटिव व्हेन वी आर इवेलुएटिंग एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड फंक्शन कंटेन्स वन बाय एक्स। ध्यान रखना ये सिर्फ जीरो पर ही पंगा है, किस पर पंगा है, जीरो पर। अगर फंक्शन जीरो पर इवेलुएट कर रहे हो और अगर उसमें वन बाई एक्स आ गया, डिनोमिनेटर आ गया, तो भाई साहब आप उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना पड़ेगा। तो यहां पर आरएचडी पूरी तमीज से निकालना पड़ेगा, अगर आपने डिफ्रेंशिएट किया तो गलती हो जाएगी। ये खास बात सब बच्चों को याद रखनी है, अगर आपको जीरो पर डेरिवेटिव चाहिए और फंक्शन के अंदर कहीं पर भी वन बाय एक्स है, तो आप उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करेंगे, बोल दीजिए हाँ। एफ जीरो की वैल्यू जीरो है तो एफ एच अपॉन एच आ गया, तो जीरो से चिनन मिनन बड़े पर एच इंटू ई की पावर माइनस टू बाय एच अपॉन एच कट गया, एच अप्रोचेस जीरो प्लस ई की पावर माइनस टू बाय एच विच इज जीरो। तो क्लियरली देख सकते हैं कि एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, सो कंटिन्यूअस बट नॉट डेरिवेबल। कॉपी करिए, सुनो ध्यान से, अगर एक्स इक्वल टू जीरो पर एल एच डी आर एच डी निकाल रहे हो और फंक्शन के अंदर वन बाय एक्स आ गया, तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना पड़ेगा, ये ध्यान देखना है।
x इक्वल टू जीरो और वन बाय एक्स का कॉम्बिनेशन अगर आएगा तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना पड़ेगा।